Hello everyone, welcome to our channel. So today we are going to start a new series for class 11th NEET board and AIIMS examination. So guys, as we all know, biology एक ऐसा subject है जिसमें हमें NCERT पे command होना बहुत important है. So इस video को start करने से पहले I hope कि आप सभी के पास अपना अपना NCERT book होगा. NCERT में पूरे चैप्टर का हर एक लाइन इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, बट कुछ वर्ड्स, कुछ लाइंस फॉर डेफिनेशन, कुछ वर्ड्स का मीनिंग एंड चैप्टर का की पॉइंट पता होना चाहिए. सो आज हम लोग बात करेंगे क्लास 11 के NCERT के पहला चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड के बारे में. ये एक क्विक रिवीजन होगा, सो ये वीडियो पूरा देखिएगा. यहाँ देखिए, पहले ही पेज पे एक साइंटिस्ट का डिस्क्रिप्शन दिया है. कई बार एग्जाम में इनके बारे में अक्सर पूछ लिया जाता है, जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट नहीं किया, सॉरी मैं भूल गया हूँ, आप कर लीजिएगा. ये अर्नेस्ट मेयर के बारे में कि अर्नेस्ट मेयर वॉज कॉल्ड एज द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी. ओके, सो ये पूछ जाता है कि कई बार एग्जाम में कि 20th सेंचुरी का डार्विन किसको बोला जाता था. तो यहाँ अर्नेस्ट मेयर, ये कई बार उसमें आता है, नीट में कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन कि अर्नेस्ट मेयर वॉज कॉल्ड एज द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी. ओके, तो जो हम लोग का पहला पेज है द लिविंग वर्ल्ड का, वहाँ कुछ भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. सो मैं उतना डिटेल में नहीं जाने वाला हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो. कुछ यहाँ पे लाइफ के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ, तो लिख लीजिएगा. अगर हम लोग लाइफ को डिफाइन करें तो कैसे करेंगे. इट कैन बी डिफाइंड एज यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल एक्सप्रेशन इट्सेल्फ थ्रू केमिकल रिएक्शन दैट इज मेटाबॉलिज्म which lead to growth, development, responsiveness, adaptation, reproduction. ठीक, so हम कह सकते हैं कि लाइफ क्या है, बेसिकली बायोकेमिकल का कॉम्प्लेक्स, बायोमोलिक्यूल का कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट. ओके, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया गया है, कुछ कैरेक्टर्स बताए गए हैं लाइफ के. सो आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, लिविंग थिंग पोजेस सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक विच मेक्स देम डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स. तो लिविंग थिंग का कुछ ऐसा कैरेक्टर्स है जो उसे नॉन लिविंग से अलग बताता है. ठीक है, तो वन बाय वन हम देखेंगे इन सारे कैरेक्टर्स को. पहला कैरेक्टर है ग्रोथ, तो यहाँ मैंने हाईलाइट किया है, इंक्रीज इन मास एंड डिक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ. सो आप भी हाईलाइट कर लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है. ये ट्विन कैरेक्टर है ग्रोथ का, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन साइज. तो अगर हम ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ है क्या, ग्रोथ होता है या तो सेल का नंबर इंक्रीज हो जाए तो हम कहेंगे ग्रोथ है, या तो सेल का साइज इंक्रीज हो जाए. ध्यान रखिए, सेल का नंबर या सेल का साइज दोनों इंक्रीज हो या दोनों यदि कुछ भी इंक्रीज हो तो हम कहेंगे ये ग्रोथ है. ओके, सो हम लोग आगे बढ़ते हैं. तो अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन. तो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो सेल डिवीजन के थ्रू ग्रो करेगा, और यही सेल डिवीजन प्लांट की केस में थ्रू आउट द लाइफ स्पैन होता है, लेकिन एनिमल में एक सर्टेन एज तक होता है. सो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे अमीबा हो गया,
हाँ, यहाँ कोई एग्जाम्पल ना दीजिए, इन विट्रो कल्चर के बारे में मैं बता रहा हूँ। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इन विट्रो कल्चर। इन विट्रो मतलब इनसाइड टेस्ट ट्यूब, तो वहाँ पे भी सेल डिवीजन होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल्सो ग्रो बाय सेल डिवीजन, तो इन विट्रो कल्चर एक एग्जाम्पल हो गया। और अगर इनसाइड सेल होगा सेल डिवीजन, तो हम उसे कहते हैं इन वीवो कल्चर, यानी इनसाइड इन वीवो आउटसाइड इन विट्रो। सो आई होप कि मैं जो भी यहाँ एक्स्ट्रा पॉइंट बोल रहा हूँ आप सब नोट कर रहे होंगे। सो सेल डिवीजन होता कहाँ है? मान लीजिए आपके हाथ पे कट लग गया, तो टिश्यू हो गया क्या, डैमेज हो गया आपका टिश्यू। सो वी कैन से दैट यहाँ पे आपका हाथ, जैसे मान लीजिए आपके हाथ पे कट लग गया, ओके। सो आपने दवा लगाया, कुछ दिन बाद वो हील कर जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो वहाँ हो क्या रहा है वहाँ पे? इसी चीज को देखते हुए हम कह सकते हैं सेल डिवीजन अकर इन सर्टेन टिश्यू टू रिप्लेस लॉस्ट सेल। अब यहाँ बात कर रहे थे हम लोग ग्रोथ की, तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो होता है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऑल्सो ग्रो। जैसे एग्जाम्पल में हम लेते हैं माउंटेन, सैंड माउंट जो ढलान होता है, रेतीला ढलान, या कंकड़ हो गया, माउल्ट, वो भी बढ़ते रहते हैं। लेकिन यह हो क्या है, काहे का लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंस हम कैसे करेंगे ग्रोथ को लेके? तो हम इस तरह बता सकते हैं कि जो लिविंग में ग्रोथ होता है वो होता है इनसाइड, और जो नॉन लिविंग में ग्रोथ होता है वो होता है आउटसाइड, मतलब एक्यूमुलेशन। सपोज उसके मटेरियल जो सरफेस है वहां पे कुछ मटेरियल आके इकट्ठा हो जाएंगे, और इस तरह जो नॉन लिविंग है वो भी ग्रोथ शो करेगा, ओके। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा एक सोचने के लिए एक थोड़ा सवाल ये है कि सपोज यहाँ पे बता दिया गया, चलिए मान लीजिए कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो है वो ग्रो कर रहा है आउटसाइड से। मान लीजिए हम डेड बॉडी की बात करें, जो लिविंग, तो लिविंग कभी था लेकिन अब लिविंग नहीं है ना, डेड बॉडी। क्या उसमें ग्रोथ होगा कि नहीं, सोचिएगा। अब मेरा ओपिनियन है कि उसमें ग्रोथ नहीं होगा। तो अभी ये सोचने वाली बात है कि वो तो लिविंग भी नहीं है और नॉन लिविंग, नॉन लिविंग बनी है कुछ लोग कह रहे होंगे। तो मैं बता दूं कि एक वर्ड होता है डिकम्पोजिशन। तो यहाँ डेड ऑर्गेनिज्म की जो डेड बॉडी है वो क्या होगी, डिकम्पोज कर जाएगी, यानी कि फॉसल में मिल जाएगी, मिट्टी, जहाँ से आया है वहीं पे ही मान लीजिए चला गया। हाँ, आप इस तरह बोल सकते हैं, जहाँ से आया वहीं पे ही चला गया, ग्रोथ नहीं होगा। आप जैसे देखते होंगे फर्टिलाइजेशन इम्प्रूव करने के लिए लोग क्या करते हैं, डेड बॉडीज, कोई एनिमल्स के बॉडीज को दफना देते हैं, और फिर ऑर्गेनिक मैटर वहाँ से प्रोड्यूस होता है, सॉल उसको करती है एब्जॉर्ब, और वहाँ पे पेड़ पौधे अच्छे से उग सकते हैं, उन्हें न्यूट्रिशन मिल जाता है, वहाँ की जो सॉल होती है वो हेल्दी बन जाती है। वैसे ये दूसरा टॉपिक हो गया है। ये सवाल मैंने इसलिए किया क्योंकि ये भी क्वेश्चन में पूछा गया था, और जब मैंने पढ़ा तो मैं भी थोड़ा आप लोग की तरह कंफ्यूज हो गया था। कंफ्यूजन दूर करने के लिए सवाल दोबारा पूछा, वैसे ही मैंने पूछ लिया, चलिए छोड़िए उसको, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला कैरेक्टर हम लोग देखेंगे, यहाँ जो मैंने हाईलाइट किया है वो सबको आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा, और माउंटेन बल्डर एंड सैंड माउंट, चलिए इसका मीनिंग बता देते हैं। माउंटेन का मीनिंग आप जानते हैं, बल्डर का मतलब होता है कंकड़, और सैंड माउंट का मतलब होता है रेतीला ढलान। अगला जो कैरेक्टर हम देखेंगे वो है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? मैं फिर से बोलने जा रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा।
It is a biological process of giving birth to young ones similar to itself. दोबारा रिपीट करता हूँ, रिप्रोडक्शन. इट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू यंग वंस सिमिलर टू इट्सेल्फ. अब ये दो तरीके होते हैं, एक होता है सेक्सुअल, एक होता है सेक्सुअल. जो सेक्सुअल होगा उसमें दो सेक्स, अलग सेक्स इन्वॉल्व होंगे, एक मेल और एक फीमेल. लेकिन जो सेक्सुअल होगा उसमें दो सेक्स इन्वॉल्व नहीं होंगे. सो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो हमें अमीबा, ईस्ट, फंगाई, प्लेनेरिया, ये सब में हमें ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखता है. अब जैसे हम अमीबा की बात करें तो उसमें क्या होगा, बाइनरी फ्यूजन. तो बाइनरी फ्यूजन अमीबा में क्या होता है, अमीबा स्प्लिट इन टू पार्ट्स गिविंग बर्थ टू डॉटर ऑर्गेनिज्म एंड दिस स्प्लिटिंग इज नोन एज बाइनरी फ्यूजन बिकॉज टू ऑर्गेनिज्म आर फॉर्म फ्रॉम वन. सो बाइनरी फ्यूजन, सो बाइनरी फ्यूजन जो होता है अमीबा में दिखने को मिलता है. ये क्या है, इट इज अ काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्रोकैरियोट्स. ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा. बाइनरी फ्यूजन इज अ मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्रोकैरियोट्स, ऑल्सो अकर इन सम सिंगल सेल यूकैरियोट्स लाइक अमीबा. सो अमीबा क्या है, ये सिंगल सेल यूकैरियोट्स है, इसमें भी बाइनरी फ्यूजन होगा. बाइनरी फ्यूजन किस में होगा, सारे प्रोकैरियोट्स में और सिंगल सेल यूकैरियोट्स में, सिंगल सेल यूकैरियोट्स लाइक अमीबा. सो एक बार और रिपीट कर लेते हैं, इसमें होता क्या है, सेल डिवाइड इनटू टू नियरली इक्वल साइज डॉटर सेल. सो आप लोग को पता चल गया होगा बाइनरी फ्यूजन है क्या. सो मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड्स को एलिबरेट कर दिया है और यहाँ पे येलो येलो पार्ट में जो वर्ड हाईलाइटेड हैं उन्हीं सबको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. आप लोग हाईलाइट कर लीजिए और फिर वीडियो लेक्चर सुनते रहिए, ठीक. अभी यहाँ हम बात करें ईस्ट के, जैसे एक्चुअल में हमने फोर ऑर्गेनिज्म के बारे में बात किया था ना, अमीबा, ईस्ट, फंगाई, प्लेनेरिया. सो ओनली फोर नहीं है, इस चैप्टर के लिए मैंने फोर स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म को एज एग्जाम्पल लिया हुआ है. सो फोर से ज़्यादा भी ऐसा एक्चुअल रिप्रोडक्शन जिसमें दिखता है, फोर चार नहीं होते, चार से अधिक भी होते हैं, लेकिन इस चैप्टर के लिए हमने चार ही लिया है. सो हमने अभी अमीबा का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा. अब बात करते हैं ईस्ट की, तो ईस्ट में क्या होता है, बडिंग. बडिंग क्या है, इट इज ऑल्सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट इज ऑल्सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ए न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप्स फ्रॉम एन आउटग्रोथ ड्यू टू सेल डिविजन. सो यहाँ होता क्या, एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप कर जाएगा आउटग्रोथ से, ये सेल डिवीजन की वजह से होता है. सो अभी हम लोग प्लेनेरिया पे जाते हैं. सो जो प्लेनेरिया है वहाँ बोलेंगे ट्रू रीजनरेशन फ्रेगमेंटेशन. यहाँ क्या होता है, ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है, पेरेंट की जो बॉडी होती है, गेट डिवाइड इनटू पीसेस एंड ईच पीस इज केपेबल ऑफ रीजनरेशन. तो यहाँ में ट्रू रीजनरेशन देखने को मिल रहा है. अब यहाँ येलो पार्ट पे जो मैंने हाईलाइट किया है, फंगाई मल्टीप्लाई एसेक्सुअल स्पोर्ट्स यानी फंगाई और राइजोपत्ति, आप लोग एग्जाम्पल में ले लीजिए जानकारी के लिए. राइजोपास एंड फंगाई रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन. वैसे फंगाई में सिर्फ यही स्पोर्स के वजह से रिप्रोडक्शन नहीं होता है, बाकी और भी कई तरीके हैं. फ्रेगमेंटेशन भी हमें फंगाई में दिखता है, ट्रू जनरेशन, ठीक है.
तो यहाँ मैंने जो 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 अभी आपको बताया वही पॉइंट को हाईलाइट किया हुआ है। सो बेसिकली मैं चाहूँगा आप भी कर लीजिए, यहाँ एक अलग सा पॉइंट हाईलाइट किया हुआ, अलग सा नहीं मतलब इतने हाईलाइट किया हुआ है, अलगी और एनिमा रिप्रोडक्शन इस एनिमल्स विथ ग्रोथ, सिनोनिम्स विथ ग्रोथ। तो यहाँ हम लोग अलगी और अमीबा में जो ग्रोथ हो रहा है उसको लेके कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये ग्रोथ है या सेल डिवीजन है। ठीक, बिकॉज इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म वी आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट द यूसेज ऑफ दिस टू टर्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, जैसे कि अल्गी एंड अमीबा। ये क्या है, सिंगल सेल है, तो इन दोनों ऑर्गेनिज्म में हम किसको ग्रोथ बोल रहे हैं, किसको सेल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, ये कन्फ्यूजन है। ठीक है, तो इन सब में के केस में एक्सप्लेन हो गया। आगे हम लोग बात करेंगे मेटाबॉलिज्म की। तो मेटाबॉलिज्म क्या है, वी ऑल ईट फूड, इट डू नॉट गेट डाइजेस्ट इन द सेम फॉर्म, फूड इन द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ब्रोकन डाउन इन सिंपलर फॉर्म, फूड गो इन साइड आवर माउथ, देर आर सम सलाइवा इन द माउथ विच मिक्स अप विद द फूड, सो द फूड टेंड टू बिकम सॉफ्ट, वी ग्रीन देम विद आवर टीथ, सो दे बिकम इन टू स्मॉलर पार्टिकल एंड देन रीचेस द स्टमक थ्रू द एलिमेंट्रिक एंड ऑल, इन साइड स्टमक आर प्रेजेंट गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रोड्यूसर एंजाइम्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड म्यूकस, ऑल दिस थिंग हेल्प्स इन डाइजेशन, हाउ एंजाइम्स एक्ट ऑन फूड मटेरियल, व्हाट हैपन इन साइड स्टमक, केमिकल रिएक्शन हैपन इन साइड स्टमक बिकॉज एंजाइम्स आर नथिंग बट केमिकल्स विच एक्ट ऑन फूड एंड ब्रेक डाउन इट इनटू इवन ए स्मॉलर पार्टिकल आफ्टर इट पास टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, हियर ऑल्सो डाइजेशन हैपन। तो यहाँ मैं इतने लंबे छोटे पॉइंट बता रहा हूँ डाइजेशन को लेकर, क्योंकि डाइजेशन इज ऑल्सो मेटाबॉलिक प्रोसेस। यहाँ मैंने अभी तक बताया कि कैसे खाना गया पेट में और वेरियस एंजाइम्स ने कैसे उस पर एक्ट किया, कैसे कैसे करके वो फिर वहाँ से ट्रांसफर होके स्टमक निकल के इंटेस्टाइन में गया, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, और यहाँ पे दो ऑटम होते हैं, पेंक्रियाज लिवर, पेंक्रियाज से आएगा पेंक्रियाटिक माइलेज, लिवर से और पेंक्रियाटिक लिपेज, ये दोनों भी डाइजेशन में हेल्प करेंगे, ये बेसिकली स्टार्च और फैट के डाइजेशन कराने में हेल्प करेंगे। सो तरीके से कई सारे एंजाइम्स हैं बॉडी केमिकल्स के अंदर जो कि फूड पार्टिकल्स को, जो कि एक कॉम्प्लेक्स है, उसको स्मॉलर पार्टिकल्स में तोड़ने में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए दो टर्म है, एक रेस्पिरेशन भी हो गया, एक मेटाबॉलिज्म रेस्पिरेशन हो। मैंने दो एग्जांपल ले लिए हैं डाइजेशन का, के बारे में एक्सप्लेन कर रहा था कैसे फूड हमने हमारे बॉडी के अंदर गया, कैसे वेरियस एंजाइम्स ने उन पर एक्ट किया। ओके, सो इसी तरीके से रेस्पिरेशन यहाँ क्या हो रहा है, डाइजेशन में कॉम्प्लेक्स पार्टिकल टूट रहा है स्मॉलर फॉर्म में, और रेस्पिरेशन में क्या होता है कि गैसेस का एक्सचेंज होगा, जो तो ऑक्सीडेशन ऑफ एक्यूमुलेटेड मॉलिक्यूल टू प्रोड्यूस एनर्जी। सो बेसिकली ये एक कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, रेस्पिरेशन जो है कंस्ट्रक्ट में, सॉरी कंस्ट्रक्टिव ये ज़्यादा उतना नहीं है, ये बेसिकली इसमें भी क्या हो रहा है कि लार्ज कॉम्पोनेंट जो है वो टूट रहे हैं। अब अगर हम पूरे रेस्पिरेशन के प्रोसेस को सम करें तो इस पॉइंट को अच्छे से समझ पाएंगे। फिलहाल ये वीडियो ना तो रेस्पिरेशन के ऊपर है ना तो डाइजेशन के ऊपर है, ऐसे ही यहाँ पर मैंने ले लिया, जिसको हम लोग इस पार्ट को बेहतर तरीके से जब फिजियोलॉजी स्टार्ट करेंगे तो उसमें समझेंगे। अभी ये समझ लीजिए कि जो मेटाबॉलिज्म है ये है क्या, ये एक तरीके का केमिकल रिएक्शन है जो इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। अब जो मेटाबॉलिज्म है वो क्या है, वो नॉन लिविंग में नहीं दिखता है, नहीं हो, ये सिर्फ एक लिविंग बॉडी की कैरेक्टरिस्टिक है मेटाबॉलिज्म।
ये दो तरीके होते हैं, एक होता है कैटाबॉलिज्म, एक होता है एनाबॉलिज्म। तो अभी हमने जो दो एग्जांपल दिए डाइजेशन और रेस्ट्रेशन की, वो क्या है, वो कैटाबॉलिज्म है। क्यों? वहां पे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो है वो टूट रहा है स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, जिससे हमारे बॉडी को एनर्जी मिल रही है। सो कैटाबॉलिज्म क्या है? कैटाबॉलिज्म इट इज ए कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस, जैसा कि वर्ड बता रहा है कैटा, इट इज ए कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। यहाँ क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो है जो सिंपलर फॉर्म में टूट रहे हैं। दूसरी तरफ जो एनाबॉलिज्म है वो क्या है, वो डिस्ट्रक्टिव, वो कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। सॉरी, जो कैटाबॉलिज्म था वो डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस था, और जो एनाबॉलिज्म है वो कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। यहाँ क्या होगा कि स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इकट्ठा होंगे और एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बन जाएंगे। तो मैं ये जो बोल रहा हूँ ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। और यहाँ दूसरे और चीज देखा जाए तो ये जो कैटाबॉलिज्म है, यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज, मतलब हाँ रिलीज हो रही है, टूट रहा है ना कोई एक लार्ज मॉलिक्यूल, जब सिंपलर फॉर्म में टूट रहा है तो वहाँ पे जो एनर्जी है वो रिलीज हो रही है। ओके, और जो एनाबॉलिज्म है जहाँ पे सिंपलर मॉलिक्यूल्स कुछ मिलके एक लार्ज मॉलिक्यूल बन रहा है, वो वहाँ क्या हो रहा है, एनर्जी स्टोर हो रहा है। सो दो पार्ट थे मेटाबॉलिज्म के। ओके, यहाँ पे देखिए मैंने हाईलाइट किया हुआ है, द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन अवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म। तो हमने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है मेटाबॉलिज्म का डेफिनेशन। सो आप लोग इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। तो जो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं ये एक एक्सेप्शन है, ठीक है। आइसोलेटेड मतलब आउटसाइड द बॉडी, यानी कि टेस्ट ट्यूब में, मान लीजिए ऐसा कोई रिएक्शन कराया जा रहा है, ठीक है, जैसे यहाँ मैंने हाईलाइट किया है, आइसोलेटेड मेटाबॉलिज्म रिएक्शन इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग बट श्योरली लिविंग रिएक्शन। लिविंग रिएक्शन तो है लेकिन जो इन विट्रो कल्चर में हो रहा है वो लिविंग थिंग नहीं आएगा। सो यहाँ से कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं कन्फ्यूज करने के लिए, सो आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा। अगला जो कैरेक्टर है लाइफ का, लिविंग बींग का, वो है कॉन्सियसनेस, ठीक है। सो बीइंग अवेयर ऑफ एनीथिंग हैपनिंग अराउंड अस इज कॉन्सियसनेस। जैसे कि फॉर एग्जांपल, व्हेन आई से आई मस्ट क्वाइट कॉन्शियस अबाउट माय लुक, मीन्स आई रियली बॉदर्ड अबाउट हाउ आई लुक टू अदर्स। सो कॉन्सियसनेस मीन्स यू आर बॉदर्ड अबाउट थिंग्स हैपनिंग अराउंड यू, दैट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉदर्ड ऑल्सो थिंग्स हैपनिंग अराउंड देम। सो वी कैन से, हम लोग ये कह सकते हैं कि कॉन्सियसनेस है क्या, इट इज एबिलिटी टू सेंस द सराउंडिंग एंड रिस्पॉन्ड टू देम। दोबारा से रिपीट करता हूँ, इट इज एबिलिटी टू सेंस द सराउंडिंग एंड रिस्पॉन्ड टू देम। हम लोग ने आसपास के वातावरण को जो है उसको सेंस करते हैं, उसको रेस्पॉन्ड करते हैं, यही है कॉन्सियसनेस। ये कैरेक्टर जो है वो नॉन लिविंग में नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए, इन ह्यूमन बींग एंडोक्राइन सिस्टम टुगेदर विद नर्वस सिस्टम गिव राइज टू दिस कॉन्सियसनेस, दैट इज एंडोक्राइन ग्लैंड गिव राइज टू डिफरेंट काइंड ऑफ फीलिंग, एंड वन ऑफ द बेस्ट थिंग ह्यूमन बींग है इज द एबिलिटी टू थिंक दैट कम्स फ्रॉम ब्रेन, दैट इज नर्वस सिस्टम। सो हमने कॉन्सियसनेस देख लिया। ओके, हमने ये भी देख लिया कि कॉन्सियसनेस का डेफिनेशन हम देख लिया है, हमने ग्रोथ मेटाबॉलिज्म देख लिया है।
अब यहाँ पे मैंने हाईलाइट नहीं किया है, यहाँ मैंने लिखवा दिया है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, आप सबके लिए इजी होगा। हम लोग बता सकते हैं ये जो कॉन्शियसनेस है इसको हम डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ बोल सकते हैं, क्योंकि ये किसी भी तरीके से एक नॉन लिविंग में नहीं दिखता, ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग का कैरेक्टर है, ठीक है। तो इस सब के बेसिस पे हम अगर लाइफ को या लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं, अब नोट कीजिएगा, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इनटू एक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ रेस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुले। यहाँ पे देखिए मैंने एक चीज़ यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, ये पॉइंट इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म को ये पॉइंट डिफाइन किया है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग, ठीक है। अपने एनसीईआरटी में आप लोग इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, इस तरह हाईलाइट कर लीजिए। सॉरी यहाँ पे जूमिंग का दिक्कत हो रहा, ओके नो बेटर, ठीक है। सो हम लोग इससे सेल्फ रिप्लिकेटिंग क्यों कहते हैं, बिकॉज लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन रेप्लिकेट देमसेल्फ, दे कैन प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म सिमिलर टू देमसेल्फ, दैट इज एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। Why we are saying that evolving? Evolving is definition में क्यों आया? Because living organism can rise to new thing, can give rise to new thing. Living organism can give rise to new thing. That is, gradually over a period of time under small variation and give rise to undergo small variation. एंड गिव रेस्ट टू न्यू ऑर्गेनिज्म। सेल्फ रेगुलेटिंग क्यों कहते हैं, बिकॉज दे कैन कंट्रोल देमसेल्फ, दैट इज दे कैन कंट्रोल डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस इनसाइड देमसेल्फ लाइक मेटाबॉलिज्म। सो यहाँ हमने बात कर लिया लिविंग के कुछ बेसिक करेक्टर्स की, यहाँ जो की पॉइंट है जो मैंने हाईलाइट किया है वो आप भी हाईलाइट कर लीजिएगा। यहाँ पे एक पॉइंट मैंने छोड़ दिया है, बताया नहीं है, थोड़ी सी मैंने हाईलाइट भी उसको किया नहीं है, ऐसे ही बता देता हूँ। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जो लिविंग हो सेल से बनेगा, जो नॉन लिविंग हो सेल से नहीं बनेगा। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी, इट इज ऑल्सो डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लाइफ फॉर्म। सो हमने दो डिफाइनिंग फीचर देखे हैं, एक है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, एक है कॉन्शियसनेस, मतलब ये दोनों किसी भी एंगल से या इन मिट्टो कल्चर में भी ये सब नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे हमने एक्सेप्शन देख लिया था लिविंग के कुछ करेक्टर में, ग्रोथ में, मेटाबॉलिज्म में, तो वहाँ पे हमने देखा रिप्रोडक्शन में कि इन मिट्टो कल्चर में भी हो रहा है, लेकिन इन दो के केस में जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस, इनमें ऐसा नहीं होता, ठीक। ओके, अगला जो हम लोग देखने वाले हैं वो है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। सो देयर आर वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म दैट वी सी अराउंड अस, but we need to find out the way to study because the variety is huge. We have biodiversity to maintain ecological balance. यहाँ पे देखिएगा, जो biodiversity है उसमें bio का meaning होता है life and diversity का meaning होता है variety, that is variety of life form that we see around us. So why different types of life forms should exist on earth, ये एक क्वेश्चन है हमारे माइंड में आएगा। सो इसका आंसर हम लोग इस तरह देंगे, बिकॉज
they maintain ecological balance on Earth. Ecological balance on Earth. Okay. So ecological balance कैसे कर रहे हैं कई सारे ऑर्गेनिज्म, क्योंकि they all depend on each other for their survival. So अगर मान लीजिए कि बकरी की जो प्रजाति है, बकरी गाय भैंस ये सब जो घास फूस पेड़ पौधे खाते हैं, ये ख़त्म हो जाए तो हो क्या, इकोलॉजिकली बैलेंस रहेगा क्या? नहीं, पेड़ों की गिनती ज़्यादा हो जाएगी. सो यहाँ जो है ना सब कुछ बैलेंस. अब जैसे छोटे क्लास में हमने पढ़ा था फूड चेन के बारे में, तो आइए थोड़ा उसको रिकॉल कर लेते हैं. प्लांट्स जैसे हैं, अब इनको फॉर एग्जांपल गोट खाएंगे, ठीक है. गोट कौन खाएगा? वुल्फ. वुल्फ को कौन खाएगा? लायन. अब जैसे एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, प्लांट है, प्लांट को कौन खाया? रैबिट. रैबिट को खाया डॉग और डॉग को लायन. तो लायन जो है जो सुप्रीम है, ये जब इसकी डेथ होगी तो दे ऑल गेट डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म. यहाँ तक कि छोटे छोटे पार्टिकल्स को डिकम्पोज करने के लिए भी इकोलॉजिकल बैलेंस सिस्टम में ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं. सो वी कंसीडर दे मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस ऑन अर्थ. इफ देर आर नो माइक्रो ऑर्गेनिज्म देन व्हाट विल हैपन? A day will come when Earth would become a dustbin full of dead body. अगर सारे माइक्रोऑर्गेनिज्म हट जाएं, तो डिकम्पोज नहीं होंगे ना, डिकम्पोजिशन होगा ही नहीं. नहीं होगा फिर जो मैंने एग्जाम्पल अभी बोला था ग्रोथ में, डेड बॉडी को लगे कि वो डिकम्पोज नहीं होते, डिकम्पोज हो जाते हैं. तो अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होंगे तो वो डिकम्पोज नहीं होंगे, और फिर हम लोग जो ग्रोथ का मैंने करेक्ट बोला वो उस पर सूट करेगा, ठीक है. तो हम लोग अपने ये जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे थे डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, उस पर आते हैं वापस. सो यहाँ है क्या, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा तरीके के जीव जंतु हैं. तो इनकी जो स्टडी करने में आने लगी थी दिक्कत, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत, क्योंकि जो मान लीजिए लायन है, तो एक लायन जो है उसको हम लोग सपोज वी आर कॉलिंग लायन एज अ लायन इन वन कंट्री, बट द लायन इज कॉल्ड बाई समर नेम इन समर कंट्री. सो ये होता है कन्फ्यूजन कि अगर आप किसी और जगह जाएँ और वहाँ पे आप लायन को लायन बोले, तो वहाँ पे लायन को वो लोग दूसरे नाम से बोल रहे थे, तो आप समझ सकते हैं कन्फ्यूजन कैसी होगी. तो इसके लिए क्या हुआ, हमारे साइंटिस्ट ने एक सिस्टम दिया नोमेनक्लेचर. सो टू स्टडी दिस ह्यूज वैरायटी ऑफ लाइफ वी नीड नोमेनक्लेचर एंड आइडेंटिफिकेशन. सो नोमेनक्लेचर एंड आइडेंटिफिकेशन व्हाट इज दिस, दीज आर टू टेक्निक्स that help us to study about huge variety of life form existing on earth. Okay, so yahan maine key point highlight kiya hua hai, naming or being organism such that a particular organism is known by the same name all over the world. So kya tha ye, hamara nomenclature. अब देखिए नोमेनक्लेचर और नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली एंड वी नो टू व्हाट ऑर्गेनिज्म नेम इज अटैच्ड टू, दिस इज आइडेंटिफिकेशन. तो आप लोग ये पॉइंट भी हाईलाइट कर लीजिएगा. तो सबसे पहले हुआ क्या, आइडेंटिफिकेशन हुआ या नोमेनक्लेचर? ये क्वेश्चन तो वो पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैंने ये आपसे पूछ लिया. ओके,
तो सबसे पहले आया आइडेंटिफिकेशन में, बिकॉज अगर हमें किसी चीज के बारे में मालूम होगा तब तो हम उसका नामकरण कर पाएंगे। सपोज अगर आपको बोला जाए कि पेन के बारे में कुछ बताइए, तो अगर आपको पता जाए रहेगा कि व्हाट इज अ पेन, व्हाट इट डू, इट हेल्प्स इन राइटिंग, तभी तो आप लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, आइडेंटिफिकेशन पहले हुआ, बाद में नोमेनक्लेचर हुआ। सो आइडेंटिफिकेशन क्या था, स्टडिंग अबाउट द ऑर्गेनिज्म एंड डिस्क्राइबिंग सम ऑफ द फीचर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ओके, तो यहाँ जो था दो किंगडम हमने देखा कि जो स्टार्ट में जो प्लांट्स थे उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके जो नेमिंग का सिस्टम है वो कौन करने थे, यहाँ हमने हाईलाइट किया है। ये फुल फॉर्म है ICBN और ICZN का, जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ICBN का फॉर्म है इंटरनेशनल कोड ऑफ फॉर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, और ICZN का फॉर्म है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ओके, सो हम लोग यहाँ देखेंगे जो नेमिंग सिस्टम होगा वो क्या था, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, टू नेम नोमेनक्लेचर, जिसको हम बोलते हैं साइंटिफिक नेम, या यूनिवर्सल था, मतलब हर एक जगह जो पर्टिकुलर जानवर है उसको इस नाम से बोला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ ह्यूमन बींग वी आर कॉल्ड एज होमो सेपियंस। ओके, जो पहला वर्ड होगा वो क्या होगा, जीनस, जो उसके बाद होगा वो होगा स्पीसीज। आप एक काम कीजिएगा, जब ये पूरा लेक्चर सुन लें और नोट कर लें जो बोल रहा हूँ, एक बार आप NCERT रीड कीजिएगा, आपको पॉइंट बाय पॉइंट सब कुछ समझ में आएगा। और अगर तब भी कोई डाउट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी आप कमेंट बॉक्स में, या फिलहाल मैंने कुछ तैयार नहीं किया है कोई वेबसाइट कोई लिंक, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और वहाँ पे मैं आपको के बारे में कोई भी डाउट हो तो उसका मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ओके, तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या था, टू नेम नोमेनक्लेचर, ये किसने दिया, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये दिया कैरोलस प्लिनियस। ठीक है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, बुक में ही है। ठीक है, दिस नेमिंग सिस्टम इज गिवन बाय कैरोलस प्लिनियस, जिसमें क्या होगा, फर्स्ट वाला जो नाम है, जैसे होमो सेपियंस, जो होमो है वो रिप्रेजेंट करेगा जीनस, और सेपियंस जो है वो रिप्रेजेंट करेगा स्पीसीज। ओके, सो हम लोग अब देखेंगे कुछ कॉमन रूल्स। तो यहाँ मैंने हाईलाइट किया हुआ है रूल फॉर नोमेनक्लेचर। सो ये नोमेनक्लेचर के जो रूल्स हैं वो हम देख लेंगे। सो ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है। सो ये क्या कहता है कि जनरली लैटिन और लैटिनाइज, या तो ये लैटिन में होगा या तो अगर नहीं है तो लैटिनाइज होगा। अब जैसे टाइगर केस में पैंथेरा टाइग्रिस, उसका नाम है साइंटिफिक नेम पैंथेरा टाइग्रिस, तो यहाँ पे जो टाइग्रिस है वो क्या है, लैटिनाइज वर्ड है। ठीक है, जनरली क्या होगा, वो लैटिन में होगा या तो लैटिनाइज होगा। कौन सा चीज, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का रूल है ये कि जनरली लैटिन और लैटिनाइज। If it is written, it is in italic, अगर लिखा हुआ होगा, written होगा, तो italic होगा या तो underline होगा। ठीक है, मतलब sorry, written होगा तो underline होगा, दोनों word, homo sapiens, genus, सिर्फ दोनों underline होगा separately, और अगर printed होगा तो italic में printed होगा। यहाँ स्पीड कम होगी, काफ़ी देर से बोलने जा रहा हूँ इसलिए, तो एक बार और मेरे ख्याल से रिपीट करता हूँ अच्छे से।
यहाँ लोग देख रहे थे रूल्स फॉर नोमन क्लेचर। तो नोमन क्लेचर में जो बाइनोमियल नेम्स हैं वो क्या होंगे, वो लाइट में होंगे या तो लाइडेनाइज्ड। जो जैसे कि टाइगर का एग्जांपल, फॉर एग्जांपल टाइगर, तो टाइगर का जो बाइनोमियल नोमन क्लेचर है वो है पैंथेरा टाइग्रिस, और जिसमें जो वर्ड टाइग्रिस इज लैटिनाइज्ड वर्ड। अगर ये रिटर्न होगा तो अंडरलाइन होगा, ठीक है, अगर हाथ से लिखा होगा तो अंडरलाइन होगा, दोनों वर्ड सेपरेटली अंडरलाइन होगा, जीनस और स्पीसीज अलग अलग लाइन होगा, अंडरलाइन क्या हुआ होगा। लेकिन अगर ये प्रिंटेड है तो ये इटैलिक होगा, ठीक है। तो हमने देखा जनरली लाइटन और अंडरलाइन, रिटर्न इन इफ इट इज रिटर्न इट इज अंडरलाइन और इट इज प्रिंटेड इट इज इन इटैलिक, ओके। तो जो जीनस है वो कैपिटल लेटर से शुरू होगा और जो स्पीसीज है वो स्मॉल। जो फर्स्ट वर्ड है वो डिनोट करेगा जीनस को, जो सेकंड वर्ड है वो डिनोट करेगा स्पीसीज को। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो वैरायटी ऑर्गेनिज्म की, क्या सबकी ऑर्गेनिज्म के लिए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर देना पॉसिबल है, तो जवाब होगा नो, क्योंकि वैरायटी यूज है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर देना इजी तो है, लेकिन सबको क्लासिफाई करना, सबको बताना, सबके अलग अलग नाम रखना क्या पॉसिबल है, तो इसका आंसर होगा नो। सो इट इज नॉट पॉसिबल टू नेम ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म। सो अब सॉल्यूशन क्या है, सो इंस्टेड ऑफ गिविंग बाइनोमियल नोमेनक्लेचर टू ईच ऑर्गेनिज्म, व्हाट इज द सॉल्यूशन। इंस्टेड ऑफ गिविंग बाइनोमियल नोमेनक्लेचर टू ईच ऑर्गेनिज्म, द यूज वैरायटी ऑफ गिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट कैन क्लासीफाई इन टू डिफरेंट ग्रुप। सो जो यूज वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन्हें डिफरेंट ग्रुप में क्लासीफाई किया जाएगा। यहाँ मैंने क्लासीफिकेशन का डिफिनेशन हाईलाइट किया हुआ है, आप भी कर लीजिएगा। तो क्लासीफिकेशन क्या कर रहा है, ये थिंग्स को इजी बता रहा है। जैसे कई सारे एनिमल्स हैं, तो कौन सा एनिमल का कैसा कैसा बिहेवियर है, कैसा बर्ताव है, तो जो हम लोग क्लासीफाई कर रहे हैं बेस्ड ऑन कॉमन कैरेक्टर्स, तो ये हम लोग के लिए इजी कर दे रहा है। जैसे हम लोग क्लासिफिकेशन को बोल सकते हैं, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग थिंग्स इनटू कैटेगरी बेस्ड ऑन इजली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप बर्ड्स को अगर एक कॉमन कैरेक्टर बोलें तो सारे बर्ड्स उड़ सकते हैं, हवा में रहते हैं, पंख होता है, ओके। अगर हम बर्ड कंप्लेन करें, बर्ड को हम उससे देखें, कंपेयर करें किसी टेरेस्ट्रियल मैमल से, एनिमल से, तो हमें वहाँ पर डिफरेंस दिख जाएगा, क्योंकि वो क्या है, वो उसके पास पंख नहीं होगा। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग हवा में नहीं उड़ सकते, हाँ एरोप्लेन के माध्यम से उड़ सकते हैं लेकिन अपने बॉडी से नहीं। सो ये कुछ करेक्टर हो गया। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल फिश, तो पानी के अंदर उनके पास किल्स होता है सर्वाइव करने के लिए, तो हमारे पास तो नहीं है, तो ये हो गए कुछ इजली ऑब्जर्वेबल करेक्टर जिनकी बेसिस पे क्लासिफिकेशन करना पॉसिबल हुआ है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन देख ली, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो बेस्ड ऑन ईजली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स हैं, तो व्हाट इज कैरेक्टर्स, तो नोट कीजिएगा, इट इज अ फीचर और क्वालिटी बिलोंगिंग टू पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि बर्ड्स कैन फ्लाई, फिश कैन स्विम। यहाँ पे जो फ्लाई और स्विम है ये क्या है, कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही अलग, मतलब ये एक दूसरे बहुत ही अलग है, कंपेयर करने में देखें तो फिश के पास, फिश कांट फ्लाई,
बर्ड कांट स्विम, लेकिन बट बर्ड कैन फ्लाई, फिश कैन स्विम। बेस्ड अपॉन दिस करेक्टर ऑर्गेनिज्म आर डिवाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप, दिस प्रोसेस नोन एज क्लासिफिकेशन। नाउ हाउ विल वी नेम ऑर्गेनिज्म? बाय आइडेंटिफिकेशन। टू आइडेंटिफाई व्हाट वी नीड क्लासिफिकेशन, एंड फॉर क्लासिफिकेशन वी नीड कैरेक्टर्स। यहाँ पे एक पॉइंट और है, कैटेगरी को मैंने हाईलाइट किया है, कैटेगरी टैक्सा। सो यहाँ पे देख लीजिएगा व्हाट इज टैक्सा। तो यहाँ मैं एक डेफिनेशन दिखा रहा हूँ, आप नोट कीजिए। इट इज ए साइंटिफिक नेम फॉर दिस कैटेगरी। ये जो कैटेगरी है ना, इसी का एक साइंटिफिक नेम क्या है? टैक्सा। ठीक है, जैसे कैटेगरी, किसी भी चीज कैटेगरी का साइंटिफिक नेम क्या है? टैक्सा। और कैटेगरी इनटू विच ऑर्गेनिज्म ग्रुप, फॉर एग्जांपल जो उड़ने वाले एनिमल्स हैं उनकी एक अलग कैटेगरी हो गई, तो वो कैटेगरी क्या है? वही है टैक्सा। सो टैक्सा इंडिकेट कैटेगरी इनटू वेरी डिफरेंट लेवल। ठीक है, हेंस बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा, दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज टैक्सोनॉमी। सो इसको आप लोग क्या कीजिएगा? हाईलाइट। ठीक है, यहाँ पे सिस्टमेटिक है, इसका मैंने डिफिनेशन दिया हुआ है। किसी को भी सिस्टम के अनुसार से अरेंजमेंट किया गया है, मतलब इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड रिलेशनशिप अमंग देम। यहाँ देखिए, यहाँ जो इम्पोर्टेंट है वो मैं नहीं बता रहा हूँ। ओके, ये एक क्विक रिविजन है, मतलब एक घंटे में के अंदर इसको खत्म करना है। ठीक है, तो हमने टैक्सोनॉमी देख ली, टैक्सोनॉमी का एडमिशन हुआ था। अगर आप लोग को हाईलाइट वाला पार्ट समझ नहीं आया तो आप लिख सकते हैं, इट इज ए क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू डिफरेंट टैक्सा बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो टैक्सोनॉमी क्या है? ये क्लासिफिकेशन का एक साइंटिफिक नेम है। टैक्सा क्या है? कैटेगरी का साइंटिफिक नेम। ओके, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने देखा टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। ठीक है, यहाँ पे पड़ा था टैक्सॉन, जैसे हम लोगों ने टैक्सा का देख लिया, कैटेगरी का साइंटिफिक नेम है, टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन का साइंटिफिक नेम है। ठीक है, टैक्सॉन क्या है? ये एक रैंक की तरह, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर हम डॉल्फिन का एग्जाम्पल लें, ठीक है, तो डॉल्फिन क्या है? इट इज अ फिश। और फिश क्या है? इट इज एनिमल। सो जो है, वी हैव फिश, बर्ड, स्नेक, एनिमल, जो भी है। ठीक है, जो भी है सब कैटेगरी में आ रहे हैं। डॉल्फिन भी है, और एक कैटेगरी होगी पूरे फिश में, कई सारे फिश में डॉल्फिन का अलग ही कैटेगरी है। कई तरीके की डॉल्फिन, कुछ मोटी होंगे, कुछ पतले होंगे। ओके, और जो डॉल्फिन है वो क्या है? फिश है। फिश में भी कई वैरायटी की फिश होंगी, शार्क फिश, व्हेल फिश, डॉल्फिन, एंड उसके बाद अगेन फिश क्या है? फिश एक एनिमल है। तो यहाँ देख रहे हैं ये सब क्या है? ये सब टैक्सॉन है। यहाँ मैंने ब्रीफली इसको एक्सप्लेन किया, टैक्सॉन। ठीक है, ये टैक्सा का ही प्लूरल फॉर्म जान जाइए, टैक्सॉन। टैक्सा का प्लूरल टैक्सॉन। ओके, अभी यहाँ देखिए टैक्सोनॉमिक हायरार्की का नाम आया है। तो यहाँ मेरे पेज में इसका एक डायग्राम है, वहाँ से अगर समझें तो अच्छा होगा, आसानी होगी। ओके, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे।
यहाँ भी एक डायग्राम आएगा, उसमें मैं रह के समझा दूंगा आप सबको। अभी हम रुकते हैं, एक मिनट में आपको डायग्राम में दिखा दे रहा हूँ। हाँ, तो यहाँ पे हम एक फिगर को देख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे ऊपर पे किंगडम, फाइलम और डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो देख रहे हैं वेरिएशन कैसे कैसे, कई सारे स्पीसीज में रिलेटेड जो जीनस होगा उसमें कई सारे अलग अलग स्पीसीज। तो यही जो जीनस और स्पीसीज है, इन्हीं का जो नाम होता है वो हम लोग का क्या है, साइंटिफिक नेम। और ये जो अरेंजमेंट है इसको हम लोग कहते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ओके, तो हम लोग एक करके थोड़ा थोड़ा हाईलाइट देखेंगे। यहाँ पे आप लोग ये बस ये ऑर्डर याद रखिएगा। ओके, ये जो हायरार्की बना हुआ ऑर्डर एग्जाम के लिए, और ये जो है जो जीनस है वो क्या होंगे, रिलेटेड रिलेटेड स्पीसीज, जो स्पीसीज क्या है, रिलेट जीनस। मतलब देख रहे हैं जब हम लोग हायरार्की में, सॉरी यहाँ पे अगर हम लोग ऊपर जा रहे हैं तो कैटेगरी जो हैं, जो कैरेक्टर हैं वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ओके, जब भी हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं कैरेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये चीज पता रहना चाहिए, ये पढ़ना किसी भी एग्जाम में जो क्वेश्चन ऐसे बना कर देगा, रहेगा तो एनसीईआरटी से ही, लेकिन वो बनाने का तरीका ऐसा रहेगा कि आपको समझ में नहीं आएगा। सो ये चीज याद रखे कि जब भी हम डेस्कों में रैक्यूम नीचे जाएंगे कैरेक्टर इंक्रीज होता है, और जब भी ऊपर जाएंगे कैरेक्टर डिक्रीज होता जाएगा। मतलब सिमिलैरिटी इंक्रीज होगी अगर हम नीचे जाएं, डिसिमिलैरिटी इंक्रीज होगी अगर हम नीचे से ऊपर जाएं। ऊपर है नीचे सिमिलैरिटी है, नीचे से ऊपर डिसिमिलैरिटी है। ओके, यहाँ पे स्पीसीज का जो मैंने येलो पार्ट में कुछ नाम को हाईलाइट किया है, ठीक है। तो ये नेम्स, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो मैं रीड नहीं करूँगा, क्या देखिए आप हाईलाइट कर लीजिए। इसका नाम है, कई बार एग्जाम पूछ लेता है। ओके, यहाँ पे देखिए जीनस, पोटैटो का नाम, ठीक है। यहाँ मैंने कुछ नाम हाईलाइट किए थे, आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिए। देखिए इस प्लेन में 16 नाम, तो ट्यूबर्स, ट्यूबेरोस, पोटैटो एंड पैंथेरियोलाइन। तो ये जो नाम है, ये जो नेम्स हैं, ये मैंने हाईलाइट किए हैं, याद रखिएगा इस प्लेन। यहाँ पे देखिए पोटैटो एंड ब्रिंजॉल आर टू डिफरेंट स्पीसीज बट बोथ बिलोंग टू द जीनस सोलानम। ओके, ये हाईलाइट मैंने किया, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ओके, तो यहाँ पे कुछ जीनस का नाम दिया हुआ है, जैसे लायन का पैंथेरल, जो लेपर्ड का है जो पी ए, इसका मतलब पैंथेरा पैंथेरापर्डस, एंड टाइगर का पैंथेरा टाइग्रस। ओके, यहाँ पे कैट का दिया हुआ है, फेलिस विच इंक्लूड कैटस। तो आपको क्या करना है, ये जीनस जितने भी हैं हाईलाइट किए उनको आपको याद करना है। ओके, उसके बाद फैमिली भी आ जाए, तो फैमिली पे भी मैंने कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं, जैसे कि जनरस हो लेना, पेडियोनिया एंड हथुरार प्लेस इन द फैमिली सुलेनेसी। ओके, आपको ये पॉइंट याद करना है, ठीक है। फेलिस कैट इन द फैमिली फेलिडे, तो कैट का फैमिली क्या है, फेलिडे। उसी तरह डॉग का क्या है, कैनिडे। यहाँ मैंने हाईलाइट नहीं किया, सॉरी भूल गया हूँ, आप हाईलाइट कर लीजिएगा। कैनिडे फॉर डॉग एंड फेलिडे फॉर कैट।
फिर हम आ गए हैं यहाँ पे ऑर्डर पे। ये क्या है, ये जो भी मैंने पॉइंट हाईलाइट किए हैं, ये आपसे एग्जाम में कई बार पूछे जाएंगे, तो प्लीज़ प्लीज़ आप लोग भी हाईलाइट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए कौन लोग, वेट वेट वेट, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, मैंने हाईलाइट किया है, यहाँ एक ऑर्डर है, ठीक है, पॉलीमोनियलिस, देखिए नाम ऐसे कि जवान ठेड़ी हो जाए। हाँ, ऑर्डर जो है पॉलीमोनियलिस, इसमें ध्यान रखिएगा कि दो फैमिली इंक्लूड होंगी, कौन कौन सी, कौन वॉलवोलेसी इंसॉल्वेंसी आर इंक्लूडेड इन द ऑर्डर पॉलीमोनियलिस, ठीक है, कि कौन सी फैमिली, प्लांट फैमिलीज हैं, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। उसके बाद है ये कार्निवोर इंक्लूड फैमिलीज लाइक फेलिडे एंड कैनिडे, फेलिडे क्या था, कैट, और कैनिडे डॉग। तो इस तरीके से आप लोग याद कीजिएगा, ओके। तो दोबारा जो दूसरा हायर कैटेगरी है, इससे वो क्लास, यहाँ देखिए डायग्राम में दिख रहा है कि ऑर्डर से ऊपर क्लास, उससे ऊपर फाइलम। तो फाइलम जो है वो देखिए, ये बीर जोन नोटो कॉड, मतलब रेड की हड्डी है या नहीं, कॉडिटा वर्टेब्रेटा, इन सब के बेसिस पे ये नेक्स्ट हायर कैटेगरी है। इसको इसको हमने बताया है, ओके। तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन ये है कि अगर हम लोग किसी प्लांट के बारे में बोलेंगे तो यहाँ पे फाइलम का यू नहीं होगा। इन दैट केस वी विल यूज डिवीजन इंस्टेड ऑफ फाइलम, ओके। तो यहाँ पे हाईलाइट नहीं किया हुआ है, मैं भूल गया हूँ, आप कर लीजिएगा। यहाँ नीचे जो देखिए डिवीजन का नाम दिया है, प्लान के लिए हायर कैटेगरी कॉल डिवीजन, तो ये याद रखिएगा, ओके। तो ये जो चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड का, ये खाली याद करने वाला है, इसमें समझने वाला कुछ है नहीं। हाँ, लेकिन पता रहना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से कैसे पूछा जाएगा, ओके। सो इसमें इसलिए हम लोग बहुत जल्दी ऊपर नीचे करके आगे बढ़ रहे हैं। अगला जो हम लोग देखने वाले हैं वो है, यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, ओके। ये टेबल का हर एक लाइन आपको याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में तो पक्का 100% पक्का कि इससे आता ही आता है। ये जो हम लोग का चैप्टर है, इससे कम से कम मतलब अगर आपने पढ़ लिया, एक दो क्वेश्चन पक्का आएंगे, पक्का आए, ओके। अगला हम लोग देखेंगे टेक्नोमिकल एड्स, ओके। तो ये है क्या, जैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं ना, क्लासिफाई, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर, ये सब करने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि हम लोग किसके बारे में क्या लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये उसी का एक डिस्क्रिप्शन है, ओके, बताएगा जैसे कौन कौन से टेक्नोमिक एड्स हैं जिनकी वजह से हम लिविंग के बारे में पढ़ सकते हैं। तो पहला यहाँ देखिए, मैंने एक पॉइंट हाईलाइट किया, ऑर्गेनिज्म मतलब यूजफुल इन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इंडस्ट्री, सॉरी ये तो वैसे ही हाईलाइट हो गया था। ऊपर से सुन लीजिए, यहाँ से खाली आपको इतना पता होना चाहिए कि जो आइडेंटिफिकेशन है, नॉन क्लीचर हैं, ठीक है, उन सबको एक ऐसा ही, अगर मान लीजिए यहाँ पे एक थाली ले, ठीक है, अब उसमें कुछ सब्जियाँ रखा है, चावल वहाँ रखा है, सब एक दूसरे मिक्स है, तो आपको अच्छा लगेगा। अगर मान लीजिए दूसरा कोई थाली जहाँ पे सब्जी अलग रखा है, चावल अलग रखा है, सब बेसिकली अरेंज है, तो कितना अच्छा लगता है, अच्छे समझ में आता है कि आखिर हम खा क्या रहे हैं, ओके। तो ये टेक्सोनॉमिक एड क्या है, हम लोग को इस चीज़ में हेल्प करेगी कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, इसको कहाँ कैटेगरी में, कौन सी कैटेगरी में,
क्या है, कहाँ किसके बारे में क्या जानकारी मिलेगा, ये सब हम लोग को टेक्सोनोमेट्स बताते हैं। तो जो पहला टेक्सोनोमेट है वो है हर्बेरियम। अब आप लोग स्कूल में तो कई बच्चों को प्रोजेक्ट एज ए प्रोजेक्ट दिया जाता है कि आप एक हर्बेरियम क्रिएट करें और गर्मियों में छुट्टी के बाद स्कूल में लेके आए। तो यहाँ पे हर्बेरियम है क्या, ये है स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन। अब यहाँ ड्राइड होगा, ठीक है, दैट आर ड्राइड प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन शीट्स। ओके, ये जो मैंने हाईलाइट किया है उसमें आपको पता रहना चाहिए, एग्जाम में वैसे ही पूछेगा। हर्बेरिया आल्सो सर्वेस फिक रेफरल सिस्टम इन टेक्सोनॉमिकल स्टडीज। ओके, उसके बाद अगला जो है वो है बॉटनिकल गार्डन। तो यहाँ पे बॉटनिकल गार्डन जो है वहाँ पे प्लांट्स को रखा जाता है, ट्रीज प्लांट, ठीक है, जो भी हैं कई तरीके का स्पीसीज सब रखे जाते हैं, प्लांट स्पीसीज सब, ठीक है। तो यहाँ पे जो फेमस बॉटनिकल गार्डन और कैप्ट है कीव इंग्लैंड, ध्यान दीजिएगा ये जो कीव इंग्लैंड में बॉटनिकल गार्डन है ये वर्ल्ड का हाईएस्ट, बहुत ज़्यादा बड़ा हाईएस्ट बॉटनिकल गार्डन ऑफ द वर्ल्ड है। ये इसमें दिखाया नहीं गया, लिखा नहीं है, मैंने बोल दिया। ये पॉइंट आपको एग्जाम में अक्सर पूछा जाएगा कि ऑप्शन दे रहेगा कि हाईएस्ट बॉटनिकल गार्डन ऑफ द वर्ल्ड, तो आपको चूज करना है कि इंग्लैंड। ओके, उसके बाद इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा इंडिया, ये जो है ये एशिया का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन है। तो यहाँ पे जो मैं कुछ पॉइंट्स बोल रहा हूँ ये आपको नोट कर लेना है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। उसके बाद है नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, हालांकि अब ये गार्डन बन गया है, लोग यहाँ पे जाते हैं। ओके, तो अगला हम लोग जो इसकी बात करेंगे वो है म्यूज़ियम। तो अब म्यूज़ियम आप सब लोग में तो गए होंगे, म्यूज़ियम वहाँ पे जो है पुराने चीज़ें रखे जाते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ अपने मन में इस तरह इसको याद रखिए कि कोई भी जिंदा चीज़ म्यूज़ियम में तो होगी नहीं ना, और बड़े जानवरों को रखना लगभग इम्पॉसिबल है। जो म्यूज़ियम है उसके अंदर बड़े जानवर नहीं रह सकते। ओके, तो यहाँ पे अगला जो हम लोग टैक्सोनॉमिक कैटेगरी देखेंगे वो है कैटेगरी टैक्सोनॉमिक एड्स, वो है जूलॉजिकल पार्क। तो यहाँ पे इन जानवरों के हैबिटेट के हिसाब से उनको रख दिया जाता है। ओके, जैसे कि नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड की जाती है जूलॉजिकल पार्क। ओके, इतना ही आपको मालूम होना चाहिए जूलॉजिकल पार्क के बारे में। और ये जू से कैसे अलग है, क्योंकि जो जू होते हैं उसमें जानवर होंगे वो ये पिंजरे में रहते हैं, केज में रहते हैं, केज में। ओके, लेकिन जो जूलॉजिकल पार्क है वहाँ पे ये सारे जानवर ओपन रहते हैं, ओपन एनवायरनमेंट पे रहते हैं, सर्वाइव करते हैं और अपने अपने पर्टिकुलर हैबिटेट में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो जू और जूलॉजिकल पार्क में कंफ्यूज मत होइएगा। अगला और लास्ट जो देंगे वो है की, अब ये देखिए जो की है ये अल्टरनेटिंग करेक्टर है, ठीक है। द कीज आर बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली इन ए पेयर कॉल्ड कपलेट, इट रिप्रेजेंट द चॉइस मेड बिटवीन टू अपोजिट ऑप्शन, इच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड ए लीड। ओके,
ये पार्ट जो मैंने हाईलाइट किया है ये आपको याद रखना है। यहाँ पे फ्लोरा मैनुअल मोनोग्राफ एंड कैटलॉग हर सम अदर मीन्स ऑफ रिकॉर्ड डिस्क्रिप्शन। फ्लोरा जो है फ्लोरा नाम से आपसे जब भी हैबिटेट के बारे में पूछे तो आपको माइंड तुरंत पकड़ना चाहिए कि ये क्या है फ्लोरा। ओके मैनुअल मोनोग्राम मोनो मीन्स फन और किसी एक ही टैक्सॉन के बारे में जानकारी प्रोवाइड कराएगा मोनोग्राफ। ठीक है तो यहाँ मैंने हाईलाइट कर दिए सब याद रखिएगा वन बोर्ड में। ये इस तरह पूछे मतलब कह करके पूछ सकता है कि इन सब के अलावा टैक्सोनॉमी के अलावा कौन कौन से चीज हैं जो कि हम लोग को लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करने में हेल्प करते हैं। तो का यहाँ पे फ्लोरा मैनुअल्स मोनोग्राफ एंड कैटलॉग्स। ठीक है मैनुअल्स आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया। एक एरिया में जो स्पीसीज रहेगा उसका नाम क्या ही आइडेंटिफाई करने में मैनुअल्स हेल्प करेगा। मोनोग्राफ कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन टैक्सॉन सिर्फ एक ही टैक्सॉन के ऊपर इंफॉर्मेशन इकट्ठा करेगा। ठीक है फ्लोरा कंटेन द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स ऑफ ए गिवन एरिया। ओके तो ये हम लोग का हो गया पहला चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन। जो जो पॉइंट मैंने बोले हैं वो हाईलाइट कीजिएगा, जो जो मैंने लिखने को बोला है वो राइट कीजिएगा, देन एससीईआरटी पढ़िएगा आपको बिल्कुल समझ में आएगा। और अगर तब भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ओके तो अभी इसके बाद मैंने यहाँ पे आपको फोटो वीडियो पीरियड के बारे में फोटो पीरियड के बारे में नहीं बताया है तो मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ओके तो हैव अ नाइस डे और प्लीज़ लाइक माय चैनल सब्सक्राइब।